मीशो सबसे, मतलब मीशो पे आपको भी पता है सबसे ज्यादा चीप मेकअप प्रोडक्ट्स मीशो पे ही मिलते हैं। इससे पहले शॉपी भी था आई थिंक, जो बंद हो गया। मैंने भी उससे ब्रश सेट एक परचेज किया था पर उसके बाद वो बंद हो गया। तो मैंने देखा कि पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा ट्रेंड में है ये चीज, कि काफी ज्यादा यूट्यूबर ये चीज ट्राई करते हैं कि वो मतलब सबसे ज्यादा जो चीप मेकअप प्रोडक्ट्स है मीशो से उन्हें मंगवा के ट्राई करते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं, रिव्यू देते हैं। तो मेरे को भी ये चीज काफी टाइम से करनी थी, एक फाउंडेशन की वजह से बस छोटी सी गलती हो गई, जो बेस थोड़ा सा लाइट लग रहा है, अदरवाइज सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी मेरे ख्याल से। और एक मेरे को इनका प्राइमर नहीं अच्छा लगा, जस्ट उसे उसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्राई ऑन ब्यूटी हॉल। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप मेरा फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो। मैंने अपने मतलब के यूट्यूब स्टूडियो में देखा है सिर्फ मतलब कि 15% लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है जो देखते हैं मेरी वीडियोस, बाकी जो बाकी भी देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज गाइस एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप वीडियोस देख ही रहे हो, देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो प्लीज कम से कम अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक हिट करके जाना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्राई ऑन हॉल। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे मैक का प्राइम प्लस ऑयल लिया था, और कोई भी अच्छा प्राइमर नहीं था, सब फेक एंड ड्यूप्स थे। तो मेरे को लगा ये अच्छा होगा, पर इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पानी की तरह थी ना, और जैसे ही मैंने इसे स्किन पे लगाया मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई ऑयल लगा लिया हो, हेयर ऑयल अपने फेस पे। मैंने जैसे इसके 2 ड्रॉप्स लिए और अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड किए, स्टिल 2 ड्रॉप्स लगाने के बाद भी बहुत ही हैवी स्किन फील हो रही थी, और इसे लगाने के बाद से ही मेरी स्किन पे ना इचीनेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वीडियो शूट करने से पहले जस्ट अपना फेस वॉश करके आई थी, तो मेरे को था स्किन ड्राई है तो ये जो भी प्राइम प्लस ऑयल है ये थोड़ा सा अब्जर्व हो जाएगा, पर ये बिल्कुल हैवी लग रहा था। तो नेक्स्ट आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे हिलरी ओडा की आईब्रो ड्राइंग पैलेट ली है। इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं, और इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक छोटा सा ब्रश मिल जाता है जिसके बैक साइड पे एक छोटी सी स्पुली भी है। ब्रश काफ़ी ज़्यादा, उसके ब्रिसल सॉफ्ट हैं, तो मैं ये 2 शेड्स को मिक्स एंड मैच करके अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये आईब्रो पैलेट जस्ट 146 रुपीज़ की रिटेल करती है, एंड मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि मेरे पास और भी पाउडर पैलेट्स हैं लाइक स्विस ब्यूटी, मार्स, पर ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आपको 146 में यहाँ पे 3 शेड्स मिल जाते हैं, एंड इसका स्पुली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही मतलब कि प्रिसाइज था जिससे अच्छे से आप अपने आईब्रो हेयर्स को कॉम कर सकते हो। ये प्रोडक्ट तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, मेरे को खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 150 में आपको 3 शेड्स मिल रहे हैं, सो आई लव दिस। नेक्स्ट आईब्रो फिल करने के पास मेरे पास यहाँ पे कोई भी लिप बाम नहीं थी, पर मैंने लिप ग्लॉस परचेज की थी स्विस ब्यूटी की प्लम्प एंड लिप ग्लॉस, सो मैंने ये अपने लिप्स पे लगा ली उन्हें अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करने को। लिप ग्लॉस लगाने के बाद कंसीलर के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, आप दोनों देख सकते हो स्क्रीन पे। इन साइड का व्हील तो मैंने काफी टाइम यूज कर रखा है, तो मैंने ये दूसरा यूज किया जिसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ कि मैं इसका अच्छे से रिव्यू आपको दे पाऊँ। पर इसमें कोई भी कलर करेक्टर नहीं था, ऑरेंज कलर करेक्टर मैं ज्यादा यूज करती हूँ, उसमें पिंक एंड ब्लू था, तो ऑरेंज कलर करेक्टर मैंने अपने इनसाइड के व्हील से ही लिया है। तो इनसाइड की व्हील कंसीलर पैलेट से मैंने कलर करेक्टर लेके अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स पे अपना कलर करेक्ट कर लिया। जो दूसरी पैलेट है उसमें आपको कोई भी ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं मिलेगा, पर उसमें हाँ आपको काफी ज्यादा कंसीलर कॉन्टोर वगैरह के शेड्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो आप इस कंसीलर पैलेट को भी ट्राई कर सकते हो। मेरे फोरहेड पे भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन डार्क थी, आई थिंक टैनिंग हो रखी है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी कलर करेक्ट किया अच्छे से। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लाइट वेट फाउंडेशन यूज करने का सोचा। ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था, इससे पहले मैंने स्विस ब्यूटी का कोई भी मतलब एक फाउंडेशन को छोड़ के कोई भी नहीं यूज किया। मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था मीशो से नेचुरल शेड में, पर इन्होंने मेरे को सेंड कर दिया 02 आइवोरी शेड। जब मेरे को ये रिसीव हुआ मैं इतनी ज़्यादा गुस्सा थी, आप शेड देख सकते हो मेरी स्किन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, किसी रीज़न से मैं इसे रिटर्न नहीं कर पाई, तो मेरे को इसे ही यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइट है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या जुगाड़ लगाऊं, तो मैंने सोचा मेरे पास एक NYBA का लिक्विड फाउंडेशन पड़ा है जो काफ़ी डार्क है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, तो मैंने सोचा मैं उसे को इसमें मिक्स एंड मैच करके आज की वीडियो के लिए इसे यूज़ करती हूँ। और वैसे भी इसे मैंने पैसे दे के परचेज़ किया है, कोई फ्री तो मेरे को मिला नहीं है, तो इसलिए मेरे को इसे यूज़ तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अब रिटर्न भी नहीं हो सकता। तो जब मैंने इसे पहले 4 ड्रॉप्स मिक्स की, मेरे को स्टिल लाइट काफी लग रहा था शेड, तो मैंने इसमें और ज्यादा ड्रॉप्स मिक्स की
और उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अब मेरे शेड का बन गया है, पर जब मैंने इसे स्किन पे लगाया तो ये फिर भी काफ़ी लाइट शेड ही था, जिस वजह से मैं काफ़ी डिसपॉइंट हुई। मेरे को इसका कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा इस पूरे फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए। इसे मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। इवन ये मेरी सिस्टर की स्किन पे भी मैच नहीं करता, वो मेरे से फेयर स्किन टोन है, पर स्टिल ये उसको भी, उसकी टोन को भी मैच नहीं किया। ये इतना ज़्यादा लाइट शेड उन्होंने हमें दे दिया है। मैंने डॉट डॉट करते हुए अच्छे से इसे लगा लिया। हाँ, पर ये जो फाउंडेशन है, शेड के अलावा अगर इसकी बात करूँ मैं, तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बात, ये बिल्कुल लाइट से मीडियम कवरेज देता है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, पर मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाया है क्योंकि उसमें मैंने दूसरा भी मिक्स किया था तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। पर आप देख सकते हो कितने प्यार से ब्लेंड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये भी सीरम टाइप ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर हाँ आप ये गलती मत करना जो मैंने की है। आप अपने शेड का ही फाउंडेशन चूज़ करना अच्छे से। इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने अपना फाउंडेशन ब्रश यूज़ किया है, पर स्टिल ये मतलब कि वो जो मैंने मैक का प्रेप पेन ऑयल लगाया था वो इतना ज़्यादा घटिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था वो ना पूरा ऑयल की तरह ही था, जैसे मैंने ऑयल लगा लिया अपने फेस पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कैसे भूत की तरह लग रही हूँ। तो नेक्स्ट मेरे को कॉन्टोर करना था। दोनों कंसीलर पैलेट में मेरे को ये कॉन्टोर शेड ज़्यादा डार्क और अच्छा लगा, जो मेरी स्किन पे मैच भी करेगा। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा क्रीमी है। मेरे को ये कंसीलर पैलेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप एक बिगनर हो तो इसे लेके इसके साथ अच्छा मतलब कि लुक क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं, आप इसकी पिगमेंटेशन भी खुद देख ही सकते हो। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आई मीन 160 में आपको और क्या ही चाहिए। और ये इतना ज़्यादा क्रीमी फॉर्मूला है इसका, आप चाहो तो इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टोर ब्रश यूज किया है, उसे लेके मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। और आप खुद देख सकते हो कितने प्यार से ब्लेंड हो रहा है। वो जो ऑयल मैंने लगाया था उसकी वजह से मैंने फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड नहीं किया, क्योंकि क्या है उस ऑयल को लगाने के बाद फेस इतना ज़्यादा ऑयली हो गया था, जबकि मेरी ड्राई स्किन है, स्टिल ये सब हुआ। और अगर मैं फिंगर की हेल्प से करती तो शायद फाउंडेशन अपनी जगह से रिमूव हो जाता ये कॉन्टोर को ब्लेंड करते करते, जिस वजह से मैंने ब्रश का यूज़ किया है यहाँ पे। और इस पैलेट में आपको एक नहीं दो कॉन्टोर शेड मिल जाते हैं, एक फेयर टू मीडियम स्किन के लिए, एक डस्टी टू व्हीटिश स्किन के लिए, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा शेड्स हैं, आप देख सकते हो। इवन इसका जो ऊपर वाला हाइलाइटर का शेड आप वाइट देख सकते हो, वो तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, वो इतना ज़्यादा अच्छा था। मैंने इन साइड की व्हील पैलेट काफ़ी बार अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ की है, तो मेरे को था कंसीलर भी मैं इसी पैलेट से यूज़ करूँगी, कि देख सकते हैं इसके सारे जो शेड्स हैं काम करते हैं कि नहीं। तो जो मेरी स्किन के साथ मैच करता था शेड, उसे लेके मैंने एज अपना लाइटनिंग शेड यूज़ किया है, और बहुत ही प्यार से भी ब्लेंड हो रहा था। तो इसे लेके मैं अपने हाईलाइट पॉइंट्स पर लगा लूँगी अच्छे से, और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं अपने कंसीलर ब्रश का यूज़ करूँगी। मुझे पता है गाइस, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है मैं काफ़ी ज़्यादा बार उस मैक एंड प्रेप ऑयल की बेइज्जती कर चुकी हूँ। मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा, पर मैं क्या करूँ, पूरी वीडियो बनाते हुए बस उस एक प्रोडक्ट की वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ना, क्योंकि उसने मेरा फेस इतना ज़्यादा ऑयली कर दिया था। कोई भी प्रोडक्ट मैं ब्लेंड कर रही थी तो जो नीचे फाउंडेशन या कॉन्टोर था वो भी वहाँ से हट रहा था, वो भी वहाँ से ना मतलब कि बहुत ही सेपरेट सा हो रहा था, जिस वजह से ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई। मैं बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पर कर रही हूँ अभी ब्लेंड, स्टिल उस ऑयल की वजह से ये काफ़ी सेपरेट हो रहा था। अगर बात करें इस कंसीलर पैलेट की, तो ये 160 में आपको मिल जाएगी, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मालियो का वेलवेट लिक्विड ब्लश ऑर्डर किया था, जो मेरे को इस पूरे प्रोडक्ट्स में से, जितने भी प्रोडक्ट मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो मैंने शेड लिया था वो था 05, आपको 2 से 3 शेड रेंज वहाँ पर मिल जाएंगी मीशो पे। इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इसमें आपको पंप वाला ऐसे मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ की है, क्योंकि ये मेरे पास 15-20 डेज से आ गया हुआ था, तो मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। इन दिनों में मेरे को ये बात तो समझ आ गई, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में से निकाल लेते हो ये सोच के कि पिगमेंटेड नहीं है ये वो, तो वो वेस्ट होगा, बॉटल के अंदर भी फिर से नहीं जा पाएगा। इसलिए बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करना अगर आप इसे परचेज करते हो तो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा टीनी सी डॉट ली थी, और वो ही मेरे फेस को अच्छे से उसने कवर कर लिया, और आप इसकी पिगमेंटेशन भी देख सकते हो, ये स्किन पे इतनी ड्यूई सी लुक देता है। मेरे को ये ब्लश इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, वेलवेट मैट टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जस्ट 284 का ये रिटेल करता है, अंडर 300 में ही आता है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिल जाती। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था इनसाइड का बनाना लूज पाउडर। पाउडर यूज़ करने से पहले, अपने बेस को सेट करने से पहले, मैंने आपको दिखाया मेरा फेस कितना ज़्यादा ऑयली, कितना ज़्यादा ड्यूई लग रहा था।
इनसाइड कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो एक इंडिया का ब्रांड है। इसमें आपको कोई भी पैराबेंस नहीं मिलते, क्रुएल्टी फ्री है और ये पेटा अप्रूव्ड है। ये मत सोचना गाइस ये स्पॉन्सर वीडियोज़ है, कुछ भी मैंने आपको हज़ार बार बताया, मेरी कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं होती। बस मैं चाहती हूँ जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, जो प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे लगते हैं, जो सच में अच्छे हैं, मैं आपको भी वो सजेस्ट करूँ कि आप भी उन्हें परचेस कर सको। तो आप देख सकते हो ये बनाना पाउडर कितना ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ली थी बट स्टिल इसने सारी वो जो शाइन ड्यूइनेस थी मेरे फेस से निकाल दी और बिल्कुल मैट कर दिया, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आई थिंक ये आपको 200 के अंदर मिल जाता है और 200 के अंदर आपको यहाँ पे 30 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है। मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगा, इसे लगाने के बाद स्किन पे बिल्कुल हैवी नहीं फील हो रहा था। वो जो प्रेप ऑयल की वजह से स्किन पे इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, वो भी इसने काफ़ी ज़्यादा कम की, जिस वजह से मेरे को ये लूज़ पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक बिगनर हो तो ये लूज़ पाउडर ज़रूर ट्राई करना। मीशो पे आपको काफ़ी ज़्यादा ड्यूप्स और फेक ब्रांड्स मिलेंगे पर ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट्स वाई आई रिकमेंड यू। बेस को अच्छे से सेट करने के बाद आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यहाँ परचेज़ की थी हिल्री रोडा की ये कलरफुल आई शेडो पैलेट। आप देख सकते हो इसकी कलर स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसमें सारी बहुत ही कलरफुल शेड्स हैं। जो यहाँ पे मेरे पास शेड है वो है 02 और ये जो आई शेडो ब्रश सेट है ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया था। जस्ट 114 में मेरे को ये चार ब्रश मिल गए थे, जिसमें से आपको चार तो ब्लेंडिंग ब्रश ही मिल जाते हैं और एक आपको मिलता है पेंसिल ब्रश। तो इन्हीं ब्रश की हेल्प से मैं आज का अपना आई लुक करूँगी। तो मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सबसे पहले ये लाइट लेवेंडर सा शेड लूँगी, इसे मैं एज अपना ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे अपने जो क्रीज है उस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरे को ये थोड़ा सा डर था कि ये सिर्फ 170 की या 160 की कुछ आई शेडो पैलेट है तो ये फॉल आउट ना हो, पर अगर आप पहले ही डस्ट ऑफ कर लोगे एक्सेस प्रोडक्ट को तो ये इतना फॉल आउट हो भी नहीं रहा था। सेकेंड मैंने फिर से एक लाइट पर्पल शेड लिया है और उसे भी अपने क्रीज पे यूज ट्रांजिशन शेड के नीचे अच्छे से दोनों को ब्लेंड कर लिया है। ये आई शेडो पैलेट भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल फॉल आउट नहीं था और बहुत ही प्यार से ब्लेंड हो रहे थे, ज़्यादा चौकी भी नहीं थे ये आई शेडो। नेक्स्ट मैंने अपने आउटर वी के लिए ये पेंसिल ब्रश यूज़ किया और इस पर एक डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ और इसे लेके अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए। जब मैंने ये आई शेडो लुक स्टार्ट की थी करना, मेरे को कुछ भी मतलब कि आइडिया नहीं था इस लुक में मैं कौन से कलर्स यूज़ करूँगी, पर जब मैंने तीन शेड पर्पल के यूज़ कर लिए तो मेरे को लग रहा था जो शिमर शेड है जो सेंटर लिड के लिए यूज़ करना चाहिए वो भी पर्पल करना चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी पर्पल शिमर शेड नहीं था, जिसकी वजह से मैंने स्काई ब्लू शिमर शेड यूज़ किया और ये काफ़ी ज़्यादा बटरी सॉफ्ट था और इसकी पिगमेंटेशन तो आप देख ही सकते हो वन स्वाइप में। इस पैलेट को मैं 10 out of 9 नंबर दूंगी क्योंकि सिर्फ एक नंबर मैं काट रही हूँ। थोड़ा सा इसका जो फॉल आउट है अगर आप इसे डस्ट ऑफ कर लोगे जैसे मैंने बताया तो ये, उसके अलावा ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप पिगमेंटेशन खुद देख ही सकते हो। तो अपने लोअर लैश लाइन के लिए मैंने सेम वो डार्क पर्पल शेड यूज़ किया है जो मैंने अपने आउटर वी पे लगाया था, पर इसे मैं लगाने के लिए अपना ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो पेंसिल ब्रश थोड़ा सा मोटा था तो मेरे को डर था लुक कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास ये आई शेडो पैलेट होनी ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट कोल के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का 2x इंटेंस कोल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स तक स्मज नहीं होता, ये जस्ट 70 रुपीज़ का रिटेल करता है। अगर आप कॉम्बो में परचेज करोगे तो शायद 150 तक के आपको दो मिल जाएंगे। सिर्फ एक कोल ऐसा प्रोडक्ट है जो मीशो पे मेरे को बहुत मुश्किल से मिला कोई ब्रांड वाला, नहीं तो सारे ड्यूप थे, सब ही नकली थे। आप इसकी पिगमेंटेशन भी चेक कर सकते हो, वाओ। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैं मीशो का फेमस आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है जब भी आप आईलाइनर के लिए सर्च करोगे मीशो पे आपको जस्ट यही एक आईलाइनर दिखाई देगा हर जगह, तो मैंने भी इसे परचेज कर लिया। ये मेरे को जस्ट 70 to 80 रुपीज़ में मिल गया था, मेरे को इसकी टिप का समझ नहीं आया। हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, पिगमेंटेशन ठीक है, वाटरप्रूफ तो बिल्कुल नहीं है, पर इसकी मेरे को टिप का बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि इसकी टिप बहुत ही छोटी या पतली सी थी। अगर आपने इसे कभी यूज़ किया आप बताना इसकी टिप ऐसी ही होती है या मेरे को खराब प्रोडक्ट मिला। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मार्स का फैब्यूलश मस्कारा परचेज किया है। ये मेरा मतलब कि सबसे ज़्यादा फेवरेट अफोर्डेबल मस्कारा है। ये जस्ट आपको अंडर 200 में मिल जाता है और आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये मस्कारा मैंने पहले भी नायका से मतलब कि ऑर्डर करके यूज़ कर रखा है काफ़ी टाइम, पर जब मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया मेरे को समझ नहीं आता मीशो एक्सपायर प्रोडक्ट देते हैं या फेक ड्यूप बना के बेचते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बाहर आ रहा था वॉन्ट पे, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी टाइम तो इसे क्लीन करने में ही लगाना पड़ा।
जो मैंने नाइका से परचेज किया था, शायद ये ड्यूप हो सकता है या फेक प्रोडक्ट उन्होंने मेरे को सेंड किया है। जो मैंने वो परचेज किया था वो काफी ज्यादा सेपरेट रखता था आईलैशेस को, बहुत अच्छा कर्ल एंड वॉल्यूम देता था आपकी आईलैशेस को। पर आप देख सकते हो इसने ठीक ठाक काम किया है, थोड़ा सा क्लम्पी कर दिया है, पर कोई बात नहीं। अगर आप एक बिगनर हो तो आप इसे परचेज करो, पर मीशो से मत करना। आप नाइका से परचेज कर सकते हो, सेम ही प्राइस में आपको वहां से भी मिल जाएगा, या पर्पल से भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी परचेज करना अगर आप ट्राई करना चाहते हो, पर मीशो से मत करना। आफ्टर ऑल आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप इसे कितना रेटिंग दोगे, ये अच्छा आपको लगा कि नहीं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये 150 रुपीस की पैलेट बिना सोचे समझे जस्ट परचेज कर लेनी चाहिए। इस पैलेट में जो मेरे पास शेड था वो था 02। इस एक ही पैलेट में आपको यहाँ पे चार चीज़ें मिल जाती हैं। आपको दो हाइलाइटर शेड मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो फेयर स्किन के लिए भी यहाँ पे लाइट पिंक एंड मीडियम स्किन के लिए भी ये गोल्डन। एक ब्लश मिल जाता है बड़ा सा पीची सा प्यारे शेड का, और एक ब्रॉन्जर मिल जाता है। तो मैं अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को इन पाउडर प्रोडक्ट्स की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। पहले तो मेरे को काफ़ी रब करना पड़ा, इसकी पिगमेंटेशन आ ही नहीं रही थी, पर हाँ कुछ रब करने के बाद पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हुई और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल अच्छा सा शेड है एज अ ब्रॉन्जर के लिए, और आप फ़र्क भी यहाँ पे खुद देख सकते हो। पर मैंने इमेजिन नहीं किया था जस्ट 150 रुपीज़ में आपको एक ही छोटी सी पैलेट में इतने प्यारे दो हाइलाइटर, एक ब्रॉन्जर और एक ब्लश मिल सकता है। अगर आप बिगनर हो, आप मीशो से कुछ परचेज करो या ना करो, पर ये पैलेट ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अब ट्राई करेंगे इस पैलेट का ब्लश। जो पीची सा शेड था ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड था, स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन आ गई थी ब्लश पे भी। और ये जो पीच शेड है आप देख सकते हो ये फेयर से लेके मीडियम स्किन टोन तक बहुत ही अच्छे से सूट कर जाएगा। आप देख सकते हो कितने प्यार से ब्लेंड हो रहा था, बिल्कुल भी चौकी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये ब्लश। तो मैंने अच्छे से ये ब्लश वहाँ पर लगा लिया जहाँ पर मैंने अपना क्रीम ब्लश यूज़ किया था। तो अब मैं ट्राई करूँगी इसका हाइलाइटर। इसका पिंक हाइलाइटर मैंने पहले भी यूज़ किया है, जो गोल्डन है वो मेरे को थोड़ा सा डार्क लगता है, पर हाँ डस्की या मीडियम स्किन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। आप देख सकते हो इसका पिंक शेड कितना ज़्यादा अच्छा है। माना मैंने ये 150 की जस्ट पैलेट है, बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, इसमें जो आपको हाइलाइटर मिलते हैं ना उसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं थे, इतना फाइनली मिल्ट था ना इसका फॉर्मूला, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी सटल सी ग्लो दे रहा था। और मैंने भर भर के लगाया भी नहीं, जस्ट सटल सा ही लुक रखने के लिए लगाया था हल्का सा। तो हाइलाइटर को लेके मैंने अपने हाइलाइट पॉइंट्स पे लगा लिया, लाइक चिक, नोज, अपने चिन पे, और उसके बाद एक छोटा सा प्रिसाइज ब्रश लेके मैंने अपने आईब्रो बोन को भी हाइलाइट कर लिया। और मेरे ख्याल से ये पैलेट से मैं कुछ यूज़ करूँ ना करूँ, ये पिंक हाइलाइटर और वो जो पिंक ब्लश था मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वो तो मैं ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ। और इस पैलेट में आपको और भी शेड रेंज मिल जाएगी मीशो पे, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लुक लग रही है पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद फेस पे। नेक्स्ट लिप लाइनर के लिए मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का मैट लिप लाइनर। इसमें जो मेरे पास यहाँ पे शेड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इस शेड का नाम है डार्क चॉकलेट एंड आई थिंक ये डस्की से लेके फेयर स्किन या कोई भी स्किन टोन हो उस हर स्किन टोन पर इतना प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो मैंने इसको साइड्स पे भी फिल कर लिया अच्छे से। लिप शेड के लिए मैंने यहाँ पे परचेज की है स्विस ब्यूटी की HD मैट लिप शेड इन द शेड मॉव ब्लश। मेरे को ये शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, ये मैग्नेटिक लॉक था इसमें। अगर आपको कोई अच्छा सा लिप शेड ट्राई करना है जो मतलब कि क्रीम फार्मूला में हो पर मैट फिनिश देता हो तो आपको ये लिप शेड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेड रेंज मिल जाएगी और ये शेड भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। इस लिप शेड को भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में अपने लिप्स को प्रेप करने के लिए लिप ग्लॉस यूज़ की थी उसे मैं अपने लिप शेड के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ। ये एक प्लम्प लिप ग्लॉस है, प्लम्प का तो पता नहीं है मेरे को, कोई टिकलिंग इफेक्ट नहीं देती, पर हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लिप्स पे, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मेरे को ये काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो लास्ट यहाँ पे मेकअप फिक्सर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यहाँ पे परचेज किया है। ये एक ऐसा मेकअप फिक्सर है जो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये मेकअप फिक्सर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ज़्यादा है, पर इसके इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें एलोवेरा है, इसमें विटामिन ई है जो आपकी स्किन को काफ़ी सूद करता है। और ये मेरी फाइनल लुक। Oh, oh, oh.
प्रोडक्ट्स को छोड़ के, एक वो उनका मैक एंड प्रेप ऑयल, जब से मैंने इसे लगाया है मेरी पूरी स्किन पे इची सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और दूसरा फाउंडेशन मैंने अपने शेड का मंगवाया था, उन्होंने आईवॉरी सेंड कर दिया और उसके बाद 3 दिन पंजाब में नेट बंद था जिसकी वजह से मैं उसे रिटर्न तक नहीं कर पाई, जिस वजह से मेरे को उसे ही यूज करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है मीशो पे, एक नहीं मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है कि उनका ये कौन सिस्टम है पता नहीं क्या है, कि अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो वही ब्रांड की वो आपको कोई और चीज या कोई और शेड सेंड कर देते हैं जो उनके पास अवेलेबल है। तो मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती, बाकी मेकअप प्रोडक्ट सारे मेरे को अच्छे लगे। तो मैंने वही दिखाया जो मैंने बाकी वीडियोस देखी थी, उनमें तो मैंने देखा था कि कुछ भी वो दिखा रहे थे जो सबसे चीप है उसे अपनी स्किन पे लगाते, पर अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप 10-50 ज्यादा खर्च कर लोगे, ऐसा प्रोडक्ट तो आएगा जिसे आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, आगे चल के भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको वही सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, पर आप वो मेकअप प्रेप ऑयल जो प्राइमर ऑयल है बिल्कुल भी मत परचेज करना। फाउंडेशन में दूसरा शेड ट्राई कर सकते हो, फाउंडेशन बुरा नहीं है, बस शेड प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब रखो अपना ख्याल और प्लीज गाइस लाइक हिट करना ना भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हिट करके जाना।